बहुत अच्छा लगा। और अभी लुटेरे पूरा कंप्लीट फिल्म मैंने देखा और पब्लिक के साथ देखने का मज़ा अलग होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा देखने में भी। पिक्चर वाकई ही राजू जी ने बहुत अच्छा बनाया है। आउटपुट अभी बहुत अच्छा दिख रहा है, फुल एक्शन मूवी जो बिहार में अभी तो अच्छा रिस्पॉन्स रहा, झारखंड में लोगों ने काफ़ी पसंद किया। आज मुंबई में रिलीज़ हुई है, लोग यहाँ भी अच्छा पसंद कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं। तो बस यही बोलूँगा सबसे कि आप आइए और देखिए इस फिल्म को। रोल तो वो पब्लिक बताएंगे कि कैसा हुआ है क्या हुआ है। रोल मेरे हिसाब से तो ठीक है, अच्छा किया है, बहुत अच्छा रहा, सबने मिलजुल के काम किया और वो दिख रहा है कि तीनों अच्छे दोस्त हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं, तो वो स्क्रीन पे वो आउटसाइड दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है बॉन्डिंग। बहुत इंजॉय किया था, उस बताने वाली बात क्या है, उसमें हम लोगों ने मस्ती करते करते शूटिंग कब ख़त्म कर ली पता भी नहीं चला, और आज ये दिख रहा है स्क्रीन पे बहुत अच्छा। पवन जी के बारे में तो सब जानते हैं कि बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छा उनका काम है, उनकी गायकी है, तो उनके बारे में कोई क्या बोले, जितना बोले कम है। यश जी भी अच्छा कर रहे हैं और उनकी फिल्में अभी अच्छी चल रही हैं, अच्छा है उनका, बहुत ही वो कोऑपरेटिव हैं, मिलजुल के काम करते हैं वो भी। रितु के साथ इससे पहले अभी फिल्म आई थी जिगर, वो भी अच्छी रही थी दिनेश जी के साथ, उसमें भी मेरे अपोजिट रितु सिंह ही थी, और इसमें लुटेरे में भी मेरे अपोजिट रितु सिंह ही है, और अच्छा रहा। 3-4 फिल्में उसके साथ हुई और अच्छी आर्टिस्ट है, सब लोग जानते हैं कि वो अच्छी आर्टिस्ट है। अक्षरा जी के बारे में क्या बोलना, वो तो इतनी अच्छी आर्टिस्ट हैं कि कोई भी कैरेक्टर उनको दे दीजिए अच्छा कर लेती हैं, तो वो तो बहुत अच्छा कर ही रही हैं। पूनम जी बहुत अच्छा कर रही हैं, और पूनम जी का भी इसमें अच्छा देखा मैंने, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। अब विलन के, ये फिल्म ही तो विलन की है, विलन ने तो अवधेश मिश्रा जी का तो जवाब ही नहीं है कि वो कोई भी कैरेक्टर आप देख रहे हैं कि अभी लुटेरे बहुत ही उनके लिए उनका जो इसमें कैरेक्टर है जैसा था उस कैरेक्टर को और कोई जी नहीं सकता था, जितना अच्छा उन्होंने किया है। बिल्कुल राजू जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत प्यारे हैं, और उन्होंने एक अच्छी सी प्यारी सी फिल्म बनाई है जिसे सबको देखना चाहिए। मनोज जी तो उनकी ये कोई पहली फिल्म है नहीं, ये एक इस्टेब्लिश्ड बैनर है उनकी, इससे पहले जानलेबू का हो उसमें भी मैं था, उससे पहले डकैत, गुंडई राज, इज्जत, कई फिल्में उन्होंने की है, तो कोई वो नए प्रोड्यूसर हैं नहीं कि उनके बारे में मुझे बताना है। बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लगते नहीं है कि प्रोड्यूसर हैं। Planet Bhojpuri.